आज पूरा विश्व नौवा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहा है। अलग अलग तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन मनोज तिवारी जो है यहाँ पर अलग तरीके से पानी, हाँ, योगा ऑन वाटर, ये हमारे जो जो बच्चे देख रहे हैं ये सभी हमारे वाटर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, और थोड़ा सा मैं भी इनके साथ संगत कर रहा हूँ। मगर योगा की ये सब अलग अलग मोड हैं। आप जब सिद्ध हो जाते हैं तो आपके लिए, देखिए वो लड़का उलट गया तो उल्टा नहीं है, फिर खड़ा हो गया, ये भी योगा है, ये भी योगा है। तो ये हमारी भारत की क्षमता है, इसी क्षमता के बल पे हम, हमारे जो मनीषी थे वो हजारों हजारों साल जी जाते थे, तो हम 100 साल की आयु को तो स्वस्थ रख सकते हैं। तो उसके लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान चलाया है, हैट्स ऑफ टू मोदी जी। आज दुनिया के 177 देश, जब हम यमुना जी में दिल्ली में योगा कर रहे हैं, तो ये हमारी लोकसभा है, आगे वजीराबाद डैम है, ये पानी में हम नहा सकते हैं। बच्चे देख रहे हैं ना, उलट रहे हैं, घुलट रहे हैं, पर आगे स्थिति ऐसी नहीं है। इसके बाद क्यों नहीं है? क्योंकि ये हरियाणा से आई हुई पानी है, और जैसे ही दिल्ली में घुसती है क्या हो जाता है। तो ये आंखें खोलने वाली बातें हैं। मैं समझता हूँ इसके लिए जागना चाहिए, योगा के दिन कोई निगेटिव बात नहीं, इसके लिए जागने की आवश्यकता है। और जैसे हम योगा इतना कठिन कर सकते हैं, तो ये पानी को साफ रखना कौन सी बड़ी बात है। आप कह रहे हैं आज कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे, लेकिन योगा को लेकर राजनीति हो रही है। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो कह रहे हैं मिले योगा दिवस तब होगा, तब जो क्लासेस, योगा क्लासेस बंद हुई थी, जब दोबारा शुरू हो जाएंगी, वो शिरकत नहीं कर रहे योगा दिवस में। नहीं, बंद करने वाले वही हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था में कौन योगा रोक सकता है? एलजी ने रोका है क्या? ये इतना धूर्तता छोड़िए, आप शराब की नीति बना सकते हैं और आप योगा की नीति नहीं बना सकते, ये दिल्ली को बेवकूफ मत बनाइए। कौन रोकता है किसी को भाई साहब? ये ऐसा नहीं है, आज ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। योगा सिखाने के लिए तो सरकार सहयोग कर रही है, तो योगा पे सियासत होनी चाहिए क्या? ना, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमने इसलिए तो कहा कि ये बच्चों की क्षमता देखिए, ये देखिए, ये विशाल है, इसकी अभी आपने कला देखिए, सारे बच्चे जो कर रहे हैं, और इतने सारे बच्चे वो खड़े हैं। तो चूंकि हमारे पास अभी ये बोट इतनी नहीं है, तो क्या इसमें कोई सहयोग है दिल्ली सरकार का? आप सोचिए, आप यहीं आइए ना अरविंद केजरीवाल जी, कल आइए और यहाँ बच्चों को एडॉप्ट कर लीजिए। क्यों शिरकत नहीं कर रहे हैं वो, क्या वजह मानते हैं आप? जिसके मन में नकारात्मकता है उसको आप कहां से सकारात्मकता की गोली खिलाएंगे? प्रधानमंत्री दुनिया का नाम बढ़ा रहे हैं, उनको जलन हो रही है। आप देखिए पिछले समय में जो जो ट्वीट आ रहे हैं उनके, तो योगा ये भी बताता है कि मन की शुद्धता कैसी हो। तो जिसका मन ही शुद्ध नहीं है वो योगा को क्या हेल्प करेगा? क्या सलाह देंगे आप केजरीवाल जी को? नहीं, कुछ नहीं, मैं बहुत पॉजिटिवली आज बोलना चाहता हूँ। अरविंद जी, आपको योगा सिखाने के लिए क्लास में हम प्रश्रय दे रहे हैं, लेकिन उस योगा पे आप ये नहीं कि केजरीवाल योगा नहीं लिख सकते हैं, मोदी योगा नहीं करते, योगा इज योगा। तो आप उसको शुरू करिए, बिना किसी नकारात्मकता के शुरू करिए, और हम सांसद के रूप में बोल रहे हैं, आप यहाँ आइए, इन बच्चों को एडॉप्ट कर लीजिए। ये आपकी टीवी पे कला देखी है ना इन सबों की, इन सबों को लोग चंदा लगा लगा के यहाँ करते हैं सेवा इनकी। अच्छा मनोज जी बताइए, कोई खास वजह है यमुना पे करने का? क्या प्रदूषण की तरफ ध्यान आकर्षित करें? हाँ, मैं चाह रहा हूँ, देखिए ये यमुना जी भी तो दिल्ली की है, लेकिन ये पीछे हरियाणा है, तो हरियाणा से पानी साफ कैसे है और दिल्ली में आते ही पानी गंदा कैसे होता है? आप हमला तो नहीं कर रहे केजरीवाल पे? नहीं, मैं बोलता हूँ कि यमुना जी की पानी साफ ही है, आप खाली नालों को गिरने से रोक दीजिए, यमुना जी साफ हो जाएंगे, और ऐसे ही हम डुबकी लगाएं। देखिए ये बच्चे को देखिए, ये देखिए डुबकी लगाने के लिए वो भी कहते हैं कि यमुना इस लायक हो जाएगी, तो वो अपनी अपने तरफ नहीं लगा रहे, लेकिन हम अपनी लोकसभा में पानी साफ रख के और योग डुबकी लगा रहे। आपके सवाल पे, कलाकार भी हैं, आदि पुरुष फिल्म को लेकर जो विवाद चल रहा है, मनोज तिवारी कलाकार के तौर पर कैसे देखते हैं? नहीं, आदि पुरुष के लोगों ने अच्छा नहीं किया, मेरा मन दुखी है, बहुत व्यथित है उसको यथाशीघ्र। देखो भूषण जी,
आप गुलशन कुमार जी के पुत्र हैं, आपकी हनुमान चालीसा इतनी प्रसिद्ध है और आपके पिताजी भजन के लिए माने जाते थे, भजनों को हम जैसे लोगों को भी निकाले वो, लेकिन आज आपने जो आदि पुरुष के नाम पे जो भद्दा मजाक हुआ ना उसको जल्दी सुधारिए, अभी भी समय है, सुधार लीजिए और देश से क्षमा मांगिए। तो मनोज तिवारी जो कि दिल्ली से बीजेपी के सांसद भी यमुना किनारे इस तरीके से योगा कर रहे हैं, कहीं योगा यहाँ करने की वजह भी बता रहे हैं कि यमुना जिस तरीके से यहाँ तक साफ है, आगे जाके मैली हो जाती है, उस पर भी कह रहे हैं। साथ ही दूसरी तरफ राजनीति भी योगा को लेकर हो रही है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि उनके लिए योगा सही मायने में जब होगा जब दिल्ली के अंदर जो योगा क्लासेस चल रही थी वो दोबारा से शुरू होगी। अपने वीडियो से होगी निशांत के साथ जितेंद्र भाटी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।